है चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे। तो कभी कभी क्या रहता है कि हम चीज़ें जमा करते हैं, कभी कभी हम थ्रो कर देते हैं, और कभी कभी जमा करते ही रहते पर उसका कुछ यूज़ ही नहीं होता। और जब वो चीज़ हम थ्रो कर देते हैं तो तुरंत ही उसका यूज़ निकल पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, वो कमेंट कर जरूर बताना। मेरे साथ हमेशा ही वो होता था, पर अभी मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें मैं बड़े ही कार्डबोर्ड में रख देती हूँ, कोई भी चीज़ फेंकती नहीं, और वो चीज़ मुझे काम ही आती है। तो बस ये आज का वीडियो वही बेस पर है, हमारे पास जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उसका रीयूज़ करेंगे और घर के लिए अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो, और इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो करो। और फर्स्ट है ये, आप देख सकते हो आइसक्रीम के कप्स इसमें आए थे, तो बड़ा ही अच्छा सा इसका पैकेजिंग था। तो मुझे वो कप्स निकाले तब से मुझे वो ही था कि इसका मैं कुछ ना कुछ रीयूज़ करूँगी। और इतने सारे कंपार्टमेंट इसमें है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग ज्वेल ऑर्गेनाइज हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने कोई भी डिस्कार्डेड कपड़ा लिया और फिर इसका जो भी कवर होने के लिए कपड़ा चाहिए था उतना उसमें कट कर लिया। फिर क्या था, एक साइड सिला हुआ था तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और एक साइड बाकी रहे, तीन साइड ही मुझे इसको स्टिक करना पड़ा। तो फेविकोल लेना है, बस चारों वो स्प्रेड कर देना है और कपड़े को चिपका देना है, तो अच्छा सा आपका ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। और क्या रहता है, कपड़े के साथ फेविकोल अच्छे से चिपक जाता है तो क्या है, क्रीज वगैरह भी नहीं रहती, यानी कि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी सी आती है। तो आप देख सकते हो अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन चुका है। आप चाहो को लीड का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी फैब्रिक से कवर कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर नीचे का यूज़ करूँगी, बेस का ही। और मैं इसको सॉक्स को इसमें ऑर्गेनाइज करूँगी और ड्रॉवर में रख दूँगी। बहुत सारे आइडिया है, आप इसमें बहुत सारे वैसे आपको इसको रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ों को आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमारा अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक पर। आप देख सकते हो ये फेरी की डिश वॉशर लिक्विड की बोतल है, तो मैंने क्या किया कि इसको दोनों साइड कट कर दिया, ऊपर और नीचे इस तरह से मार्किंग कर ली है। और इस एक बोतल से हम दो प्रकार के ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और दोनों ही बड़ी ही काम आएंगे हमारे किचन में या हमारे घर में। तो यहाँ पर मैंने नाइफ ले ली है, उसे गर्म कर लिया है, और इससे क्या होता है कि ईजीली कट हो जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है, वरना सीजर से भी काप कर सकते हो, पर मोटा वाला प्लास्टिक रहता है, तो इस तरह से ही आप गर्म करके नाइफ को कर सकते हो, इजी रहता है। तो बस इसी तरह से दोनों ऑर्गेनाइज़र हम बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि नीचे ही एक होल लगा देंगे, ऊपर इस तरह से होल लगा देंगे, और तो क्या होगा कि इससे हैंग होने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इजीली कमांड हुक लगा देना है और इसको हैंग करना है। और आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए आप इसमें कलर भी कर सकते हो और एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया है। तो आप इस फेरी लिखा हुआ है स्टिकर को अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आप डार्क कलर का भी यूज़ कर सकते हो, वरना आप स्टिकर को भी निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टिकर निकाला नहीं है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह की प्लास्टिक की कमांड हुक ली है और इस कमांड हुक को हम लगा देंगे विंडो पर। और जो भी हम डिश वॉश करते हैं तब जो भी स्क्रबर यूज़ करते हैं, चाहे वायर का हो या स्पंज
का हो तो इसमें क्या रहता है कि पानी जमा रहता है और इसको वो पूरा दिन गीला ही रहता है। तो हमने इस ऑर्गेनाइज़र में नीचे होल लगाया है तो सारा ही पानी नीचे चला जाएगा और एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा स्पंज के लिए बन जाएगा। तो कभी कभी इस चीज़ें हम ले लेते हैं तो रिग्रेट रहता है, तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑलरेडी लिया है। पर इसमें क्या रहता है, स्पंज रखती हूँ तो पूरा ही पानी इसमें ही रहता है और स्पंज गीला ही रहता है। और नेक्स्ट जो हमने इसी से ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसके लिए मैंने एक अमांड यूज़ की है। तो क्या रहता है कि हमारा एज ए हाउस वाइफ सारा काम किचन में ही रहता है और ऊपर से मेरे वीडियो भी चलते रहते हैं, तो मुझे एक मोबाइल होल्डर चाहिए था। जब मैं चार्जिंग करूँ तो मोबाइल नीचे वायरिंग पहुँचती नहीं थी, तो मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना लिया। और नीचे से मैं क्या करूँगी, चार्जर पॉइंट है वो मोबाइल में लगा दूंगी और हमारा एक मोबाइल चार्जिंग स्टेशन रेडी हो जाएगा। और आप इसे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए कोई भी स्टिकर वगैरह या फिर स्टोन्स पर्ल्स वगैरह लगा सकते हो। और मैंने खाली इसमें कलर ही किया है तो भी अच्छा लग रहा है। और अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा जीरो कॉस्ट में बन गया है और वायरिंग भी ऊपर ही है तो नीचे हमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उसी तरह आप देख सकते हो ये 5-6 साल पुराना है, पेन होल्डर है, तो आप देख सकते हो अंदर से इंक के कारण थोड़ा सा गंदा उसका लुक हो गया था, तो मैंने ब्राउन कलर स्प्रे पेंट अंदर कर दिया। बाहर इस तरह का शाइनिंग वाला जो स्टिकर रहता है उसको मैं लगा दूंगी। ये बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है, कोई भी चीज़ के साथ अच्छे से स्टिक हो जाता है और जिस तरह से आपको उसको पैटर्न देना है उस तरह से आप दे सकते हो। तो यहाँ पर जो भी मेरा पेन होल्डर था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लिया। अच्छे से एजिस को आपको दबा देना है और आपका जो पुराना पेन होल्डर है वो एकदम ही नया बन जाएगा। और आप चाहो तो कोई भी अलग अलग शेप में दूसरा कलर यूज़ करके फिर उसको इसके ऊपर स्टिक कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिन्हें पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसका दिल से शुक्रिया। मैंने 2 हार्ट फिर लगाए थे इसमें। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इंडियन घर में और ज़्यादातर हमारे घर में आप गिन सकते हो कि 3 टाइम या मैक्सिमम 2 टाइम रोटी बनती है और जल्दी जल्दी रोटी बनानी रहती है। तो हम इस तरह से आपको लुई बना के रखनी है। और दूसरा इसमें ही हैक है कि आप जो भी रोटी बनाते हैं तो आटा बार बार निकलने की जगह इस तरह के कोई भी कंटेनर में आटा आप एक बार निकाल दो और लीड वाले कंटेनर का यूज़ करो तो क्या रहेगा, कोई भी कैबिनेट्स में आप इसे रख सकते हो। वरना क्या रहता है, बार बार आटा निकालना पड़ता है, नीचे गिरता रहता है और फिर हमें क्लीन करना रहता है। तो ये दो ही हैक बहुत ही काम आते हैं खासकर रोटी बनाने के टाइम। एक तो लुई बना के रखेंगे तो जल्दी जल्दी रोटी हमारी बन जाएगी, हमारा टाइम भी सेविंग होगा और जो आटा हम कंटेनर में भर के रखेंगे तो क्लीनिंग के पर्पज़ में भी यूज़ आएगा। इस तरह से आप देख सकते हो ये अभी दिवाली की सीज़न गई तो इस तरह से एक बॉक्स आया था चॉकलेट्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो कि जो ऊपर का पार्ट है इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसमें पानी भर देंगे और इसको एज ए आइस ट्रे की तरह यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हो फ्रीज होने के बाद किस तरह से हमारे आइस क्यूब लग रहे हैं, वो आप स्किन के लिए इसको इस आइस क्यूब को यूज़ कर सकती हो। नेक्स्ट है ये जो अभी चॉकलेट का डिब्बा है उसका भी हम यूज़ करेंगे, गर्म पानी में रख कर इसका स्टिकर निकाल देंगे और फिर आप चाहो तो ऊपर कलर कर सकते हो। पर मुझे इसको विजिबल रखना था तो मैंने खाली ही एक क्रोशिया का मेरे पास एक जो फ्लावर पड़ा हुआ था वो मैंने रख दिया और सारी भ्राती की हेयर की एक्सेसरीज मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ की है। और अच्छा सा मुझे लग रहा था तो मैंने इसे ड्रेसिंग टेबल पर ऑर्गेनाइज़ किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।